बैतूल जिले की चिचौली में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति में 11 संचालक सदस्यों के पद हेतु चुनाव में 41 प्रत्याशी मैदान में थे। 27 जुलाई को भारी गहमा गहमी और विवाद के बीच 90% मतदान हुआ था। 1014 मतदाता में से 915 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसमें एक अभ्यर्थी आकाश की जगह प्रकाश आर्य नाम में गड़बड़ी को लेकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश वडियाल द्वारा शिकायत किए जाने पर मतगणना निरस्त कर दी गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा बीच 31 जुलाई को पुनः मतगणना हुई, जिसमें भाजपा समर्थित 11 संचालक सदस्यों की जीत के साथ 11 साल बाद भाजपा का सोसाइटी पर कब्जा हो गया है। SDM राजीव कहार, निर्वाचन अधिकारी के शिव ने विजयी अभ्यर्थी आशुतोष बाली, मालवीय शंकर राव चड़ुकार, संजय आवलेकर, मुकेश मालवीय, शिवकली मोटू यादव, श्रीराम यादव, रामदेव यादव, रेखा, पप्पू राठौर, कस्तूरी यादव, पप्पू उइके और धर्मेंद्र भीम आर्य आदि निर्वाचित संचालक सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मतगणना में तहसीलदार, पुलिस थाना चिचौली, बैतूल, बीजादेही, शाहपुर का पुलिस बल उपस्थित था। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेकराम यादव, विजय आर्य, अक्कू पटेल, सूरका सिंह, प्रवीण आर्य सहित अन्य कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुनाव रद्द कर पुनः मतदान करने को लेकर तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। उसमें किसान लोगों को ही उम्मीदवार होना चाहिए था, व्यापारी इसमें भाग नहीं ले सकते चुनाव में, वोट जरूर दे सकते हैं लेकिन उनको भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए था। मामला है कि सहकारी समिति का जो चुनाव हो रहा था उसमें विशेष धांधली हुई, एक नाम को लेके आकाश का प्रकाश हो गया, उस पर चुनाव रद्द कर दिया था शासन ने। उसके उपरांत प्रशासन ने फिर से मतदान करने का निर्णय लिया था। शेष मतदान की प्रक्रिया के निर्देश थे, जिसकी कार्रवाई आज हम लोगों ने खुद जिला प्रशासन की पूरी मदद और सहयोग से और सहयोग से पूरे बल और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में, कार्यपालक अधिकारियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया। पुनः मतगणना नहीं थी, शेष जो मतदान केंद्र थे 285 मतों की गणना होना था, इसकी मतगणना आज यहाँ की गई है। आदरणीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार मुझे काउंटिंग कराने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बतौर कानून एवं व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया था। आदरणीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार मतगणना का कार्य कराया गया।